आज के इस वीडियो में आप सबों का स्वागत है। तो अभी दोपहर का 2 बज रहा है और कुछ ज़रूरी काम से हम सभी भाभी का घर जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग स्कूटी में जाएंगे और एक स्कूटी है हमारा और हम लोग इतने जन हैं। तो मैं 2 बार ट्रिप करूँगी, ज़्यादा दूर नहीं है। तो आइए, आप इस वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए, मैं आप सबों को भाभी का गाँव और घर दिखाऊँगी। अभी मैं एक ट्रिप छोड़ चुकी हूँ, ये दूसरा ट्रिप है। तो अभी हम लोग सेकेंड ट्रिप जा रहे हैं। स्कूटी में है भाभी जी का घर पहुंच गए हैं। तो अभी हम लोग यहीं पे अपना स्कूटी रखते हैं। तो अभी हम भाभी जी का घर पहुंच गए हैं, तो अंदर जा रहे हैं। ये मेन गेट है और यहाँ पे देख सकते हो, वाह कितना आम है यार, आम बहुत बड़ा बगीचा है और यहाँ पे आम भी फल रहा है बहुत सारा। ये है मेरी भाभी जी का घर। अभी हम लोग सभी कोई भाभी का घर आए हैं। तो अभी मैं बगान दिखाऊंगी और यहाँ पे बगान में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और बहुत सारे फल भी फले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वाओ बहुत सारे आम फले हुए हैं और अभी पकना भी स्टार्ट हो गया है और बहुत बड़ा बड़ा आम है। और इधर आगे अनार का पेड़ है। अरे अनार तो क्या मस्त है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अनार का पेड़ है और कितना अच्छा फला, बहुत फला है और फल ही रहा है अभी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बहुत बड़ा बगीचा है और ये आमों का बगीचा है। ज़्यादातर आम के पेड़ हैं और भी बहुत सारे पेड़ हैं लेकिन आम का पेड़ सबसे ज़्यादा है। इधर में आप देख सकते हैं, और इधर ये पेड़ जो है जामुन है और इधर सागवान का पेड़ है और बहुत बड़ा जगह में ये सागवान का पेड़ लगाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। नारियल का पेड़ जस्ट आंगन में ही है, बहुत बड़ा नारियल का पेड़ आप देख सकते हैं, ये आंगन है। और इधर भी नारियल का पेड़ है छोटा। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये बगीचा का और अभी आप देख सकते हैं बच्चों की मस्ती। यहाँ पे बच्चे अभी खेल रहे हैं और जो जिस गेम को खेल रहे हैं, गाँव में इस गेम को पिट्ठू बोला जाता है। तो आप बताइएगा कि आप इस गेम को खेलते हैं या नहीं और आप इस गेम को जानते हैं कि नहीं, इसका नाम जानते हैं कि नहीं। अगर आप जानते हैं तो आप अपनी भाषा में इस गेम को क्या बोलते हैं आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग यहाँ पे इस गेम को पिट्ठू बोलते हैं, जो कि बोल से एक दूसरे को मारना रहता है और वहाँ पे जो पत्थर रखा हुआ रहता है उसको एक के ऊपर एक रखना पड़ता है। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आप इस गेम को क्या बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में।
अगर मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आए तो आप लाइक से इन्हें सब्सक्राइब जरूर करें।